हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए करते हैं जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है आपका इंग्लिश का द लास्ट लेसन, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हमने दो पार्ट्स में पहले कर लिए हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अभी का जो क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हैं, रीड दिस सेंटेंस, आप इस सेंटेंस को पढ़िए, उसके बाद में आपको आंसर देना है। देखो लिखा हुआ है कि एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। एम हैमेल ने कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। इन द सेंटेंस एबो द वर्ब फॉर्म हैड सेड इन द फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन अर्लियर पास्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट भाग है सेंटेंस का, जहाँ पे हैड सेड वर्ड आया है, ये एक किसी समय से पहले के समय को दर्शाने के लिए यूज़ किया गया है। द होल स्टोरी इज नरेटेड इन द पास्ट, ये पूरी की पूरी कहानी भूतकाल में लिखी गई है, दिखाई गई है। एम हैमेल्स सेइंग हैपन्ड अर्लियर देन द इवेंट्स इन दिस स्टोरी। एम हैमेल्स ने जो कुछ भी कहा वो इस कहानी में घटित हुआ उससे पहले उन्होंने कहा है। दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। तो ये जो रूप है क्रिया का, ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। पास्ट में भी एक तो होता है सिंपल पास्ट और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट। तो ये जो रूप है क्रिया का, ये पास्ट परफेक्ट कहलाता है। पिक आउट 5 सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी विद दिस फॉर्म। इसी फॉर्म में आपको इस कहानी में से 5 ऐसे सेंटेंसेस आपको पिक आउट करने हैं, जो है वो चूज करने हैं द ऑफ द वर्ब एंड से व्हाई दिस फॉर्म हैज बीन यूज्ड। और आपको वहां पे बताना है कि क्रिया का ये रूप वहां पे क्यों यूज किया गया है, लिखा गया है, रीजन भी बताना है आपको। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले फ्रेश जब स्कूल जा रहा होता है और वो जब बुलेटिन बोर्ड के सामने से गुजरता है, तो वहां पे जब वो भीड़ देखता है, तो भीड़ देख करके वो ये कहता है कि आज भी कोई ना कोई न्यूज़ रही होगी, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारी जितनी भी बैड न्यूज़ आई है वो यहीं से आई है। तो हैड कम फ्रॉम देयर, तो हैड कम जो है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। यहाँ पे रीज़न क्या है कि द कमिंग ऑफ बैड न्यूज़ हैपन्ड अर्लियर देन द बुलेटिन इन दिस स्टोरी। तो ये जो बुलेटिन है यहाँ पे नोटिस बोर्ड जो है, यहाँ पे जो सूचना चिपकाई है उससे पहले जो है जो समाचार आने का काम पहले हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आप देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है कि हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। तो यहाँ पे हैड ब्रॉट शब्द का प्रयोग किया है कि हॉसर अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाया था। रीज़न क्या है यहाँ पे हैड ब्रॉट लिखने का कि द इवेंट ऑफ ब्रिंगिंग, लाने की जो घटना है, हैपन्ड अर्लियर देन फ्रेंच नोटिस्ड। फ्रेंच ने नोटिस किया, उससे पहले वो लेके आ चुका था, इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है तीसरा लिखा है कि दैट वॉज वॉट दे हैड पुट ऑफ एट द टाउन हॉल। रीजन क्या है यहाँ पे हैड पुट ऑफ का मतलब होता है टांग चुके थे, लगा चुके थे, चिपका चुके थे। रीजन है कि द पुटिंग ऑफ अ बुलेटिन हैपन अर्लियर, उस समाचार को वहां पे चिपकाने का कार्य पहले ही हो चुका था, नाउ इट इज रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो पहले ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हैड गॉन, तो यहां पे रीजन क्या है कि द एक्शन ऑफ नॉट गोइंग हैपन्ड मच अर्लियर, स्कूल न जाने का काम बहुत पहले हो चुका था और घटना बाद में, मतलब बातचीत बाद में हो रही है, इसके बारे में बोला बाद में जा रहा है इसलिए। और नेक्स्ट है कि द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड, वो जो हॉपवाइन जो बेल थी ना, जिसको एम हैमेल ने प्लांट किया था, हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। तो यहां पे रीजन क्या है कि जो प्लांटिंग का जो काम है ऑफ हॉपवाइन हैपन्ड earlier than its training about the windows। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, यहाँ पे 5 sentences हमने choose किए, और उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि
ये जो हमने सेंटेंसेस देख लिए, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको नेक्स्ट पार्ट को अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाते जाते मैं बता दूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आपको इंग्लिश के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। मात्र 99 रुपीज़ में हम पूरा कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं आपको, और ये कोर्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, है ना, एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उन कोर्सेज में हम आपको जो चैप्टर होता है उसका पूरा उसकी डिटेल स्टडी करवाते हैं, साथ ही साथ उसकी समरी अवेलेबल कराते हैं, उसके नोट्स आपको अवेलेबल कराते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स भी कराते हैं, MCQs कराते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं, हमारी लाइव क्लासेज भी होती हैं। आप ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा और विभिन्न कोर्सेज को आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और आप हमारा नंबर अगर नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं 9079622989, ठीक है, 9079622989 आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।